मध्य प्रदेश की कुल 29 लोकसभा सीटों में से दो पर महाराजा और राजा की लड़ाई है। राजगढ़ में दिग्विजय हैं, जिन्हें उनके समर्थक राजा बुलाते हैं, तो गुना शिवपुरी में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनके पोस्टर और बैनर महाराज से भरे रहते हैं। सिंधिया के सामने कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। इलाके में बहुजन समाज पार्टी का भी असर है, तो देखिए गुना शिवपुरी का चुनावी सफर। आज का चुनावी सफर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से, बात करेंगे कांग्रेस के राव यादवेंद्र और बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया से और जानेंगे जनता के मुद्दे भी। तो चलिए आज के चुनावी सफर पर। गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र, जिसे मालवा का प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं, भौगोलिक रूप से इतना बड़ा कि एक तरफ चंदेरी के रेशमी एहसास को महसूस कर सकते हैं तो दूसरी तरफ चंबल के तेवर को, बुंदेलखंड के मिजाज को भी और मालवा के स्वाद को भी। इस इलाके पर सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है। राजघराने का दबदबा कुछ यूं कि यहाँ 19 दफ़े जो चुनाव हुए हैं उसमें 14 बार सिंधिया राजघराने का सदस्य ही जीता है, लेकिन इस बार टक्कर बड़ी है, टक्कर कड़ी है। सामने कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह यादव मौजूद हैं। गुना संसदीय क्षेत्र में तीन जिले हैं, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर। अशोकनगर और शिवपुरी जिले में तीन तीन विधानसभा और गुना में दो विधानसभा हैं, यानी संसदीय क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा सीटें, जिस पर 2 पर कांग्रेस, 6 पर बीजेपी का कब्जा है। गुना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 6वीं बार पत्नी बेटा सब चुनाव प्रचार में उतरे हैं। सुबह ही समर्थक शिवपुरी की बॉम्बे कोठी में जुटे हैं, यहां से कारवां आगे बढ़ता है। जगह जगह स्वागत, नारे और ढोल। मंच पर पहुंचते हैं तो अंदाज अलग हो जाता है। गाते गुनगुनाते भी हैं। सुहाना सफर और लाडली बहनों को बुलाते हैं। पास आ जाओ ना, इतने दूर से आया हूँ आपसे मिलने के लिए, इतनी दूर खड़ी हो। आज लालगढ़ से एक एक गांव तक इलाके में हुए बदलाव को याद दिलाते हैं। मैंने पगडंडी आपके शब्दकोश से निकाल के उखाड़ दी और मखमल की सड़कें बना दी। प्रधानमंत्री की भी बात करते हैं और राम मंदिर के बारे में भी बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को एक नक्षत्र की तरह उभार रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रोजाना इस तरह से नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और आराम से गांव वालों की बात सुनते हैं, उनके बीच में उनसे बातचीत करते हैं, कुछ इस तरह से लोगों को संबोधित करते हैं। हालांकि मंच से बार बार जिन सड़कों को मखमली बताते हैं, खुद को दर्जी उसमें इतने पैबंद दिखे कि गिनना मुश्किल। हम भी उनके सियासी सफर में साथ हुए, बातें की। गुना शिवपुरी वो इलाका जहां बुंदेलखंड भी है, थोड़ा बहुत चंबल भी है, थोड़ा बहुत राजस्थान भी है और बहुत सारे सिंधिया जी भी हैं, इसलिए क्योंकि 37 सालों से इसी परिवार ने इस क्षेत्र की नुमाइंदगी की। हमारे साथ इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, लगातार कई गांवों का दौरा कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग।
सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पर तमाम सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर आप लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग आपसे अपने घर परिवार, चूल्हे की, पानी की, सड़क की समस्याएं बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि अभी काफ़ी दिनों से एक क्षेत्र पिछड़ गया था क्या? क्योंकि लगातार हम भी जब जा रहे हैं तो पानी की एक तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों की, पानी नहीं अनुराग, एक तो जिस सड़क, उदाहरण के तौर पे जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, यहाँ कोई सड़क नहीं थी, जैसे मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा, ये 18 किलोमीटर की सड़क मैंने क्षेत्र में बनवाई थी, यहाँ पगडंडी होती थी, यहाँ एक बिजली का खंभा नहीं होता था, ये फोकस करो खंभे पे, इधर खंभे दिखा दीजिए, एक एक बिजली का खंभा नहीं होता था, ये एक एक बिजली का खंभा तार के साथ मैंने एक एक गाँव तक पहुँचाया। ऐतिहासिक विकास और प्रगति इस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि विकास और प्रगति कभी स्थिर नहीं होती, निरंतर चक्र होता है। अगर 10 मांगे पूरी होती हैं तो 10 और नए मांगे आती हैं, और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मांग उसी से की जाती है जिसकी क्षमता हो उस मांग को पूरी करने के लिए। खास करके आपने अभी पानी की बात की, पानी की किल्लत की बात जो है पूरे प्रदेश भर में, क्यों, खास करके हमारे इस मालवा ग्वालियर चंबल इलाके में इस बार अपेक्षा से बहुत कम पिछले वर्ष वर्षा हुई, यही सीजन है जब वाटर लेवल कम होता है, इस सीजन में वाटर लेवल कम हुआ है, बोरिंग भी 700-800 फीट तक चला गया है, जिस तरीके से हमारे बांध और सब कुछ भरने चाहिए थे पिछले वर्षा ऋतु में भर नहीं पाए, करीब 30-40% कम वर्षा हुई है। तो इस बार संकट जरूर है, पर उस संकट का भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं, बोर्स के जरिए, टैंकर्स के जरिए हो रहा है। सर, आप अपनी पारिवारिक सीट पर दोबारा लौटे हैं, पिछले चुनाव से क्या कुछ सीख कर आए? लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहीं था लड़ने के लिए, ठीक है, पर मैं लौटा नहीं हूँ, मैं तो सदैव यहाँ था, मैं 5 साल भी यहीं था, आपने अभी उदाहरण भी सुन लिया, चाहे कोरोना काल हो, चाहे ओलावृष्टि हो, बाढ़ आई थी शिवपुरी में, मैं सदैव यहीं था। फिर से एक यादव उम्मीदवार आपके सामने हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी यहाँ आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा इससे राहुल गांधी प्रियंका के दौरों से? इस क्षेत्र में सब मेरे हैं और मैं सबका हूँ, इस क्षेत्र में कभी जात और पात के आधार पर सिंधिया परिवार ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, और हमारे सामने हर बार हर समाज के प्रत्याशी आए हैं, वो हर पार्टी की स्वतंत्रता है कि वो कौन सा प्रत्याशी को चुने, हमारा दायित्व है कि जनता के समक्ष हम अपना लेखा जोखा के साथ जाएं, जैसे आपने अभी मुझे सुना, क्या 17 साल की हमारी सेवा रही है, और उसी तारतम्य में हम भविष्य में सेवा भाव के साथ कार्य करेंगे। और राहुल प्रियंका के दौरों से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, कोई भी नेता आए उनका स्वागत है, हमारी अतिथि देवो भवो की भावना है, स्वागत सत्कार भी किया जाता है, पर स्वागत सत्कार के बाद जो भी मेहमान आता है उसकी विदाई भी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस एक आखिरी मेरा सवाल था, क्योंकि पिछली दफ़े भी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने मुझे कहा था मैं बहुत बेसुरा गाता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी ने कहा था, लेकिन सुमित्रा महाजन ने आपका वो गाना सुना और उन्होंने मेरे मंच पर गाना गाया, और आज तो आपने गाने से अपने सभा की शुरुआत की, तो मैं समझा नहीं, मतलब क्या उसके बाद कुछ गाने का रियाज तो नहीं? पर आपने सुना भी कि मैंने 2 लाइनों के बाद बंद कर दिया, क्योंकि अगर मैं आगे चलता तो शायद जितनी भीड़ वहाँ थी वो भी शायद गायब हो जाती। मुझे तो गाना कर्ण प्रिय लगा, अगर आप मौसम आज थोड़ा अच्छा तो आपके साथ बैठ के मैं चुनाव के बाद रियाज करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये आखिरी सवाल सिंधिया जी, जिस तरह से राम मंदिर की बात हो रही है, आप लोग भी बार बार कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, तो क्या राम भी चुनावी मुद्दा है क्या? मेरा आखिरी सवाल यही है आपसे। देखिए, मैं स्पष्ट बता दूं, 500 साल का सपना प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, भगवान राम चुनावी मुद्दा नहीं है, भगवान राम देश के एक एक व्यक्ति के कण कण में बसे हुए हैं, हर मनुष्य में भगवान राम है। गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार का मजबूत किला रही है। गुना की सीट ऐतिहासिक रूप से सिंधिया परिवार का गढ़ रही है, विजया राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया और ज्योतिराज सिंधिया। ग्वालियर चंबल की इस सीट को लगभग 37 सालों से सिंधिया परिवार ने इसकी नुमाइंदगी की है।
हालांकि 2009 के चुनाव में बाजी पलट गई और ये सीट सिंधिया परिवार के हाथ से छूटकर ज्योतिरादित्य के करीबी रहे कृष्णपाल यादव के कब्जे में आ गई। इसके बाद ज्योतिरादित्य कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार बीजेपी ने गुना लोकसभा सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। उनका मुकाबला कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह से होगा। भौगोलिक रूप से इलाका इतना बड़ा है कि राव यादवेंद्र सिंह के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। बमौरी विधानसभा के फतेहगढ़ में वो पैदल लोगों से मिलते दिखे। राव यादवेंद्र सिंह यादव अशोक नगर से जिला पंचायत सदस्य हैं। उनकी पत्नी जनपद सदस्य, भाई जिला पंचायत सदस्य और माँ भी जनपद सदस्य हैं। वो पहले बीजेपी में ही थे। पिता देशराज सिंह बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले यादवेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि कुछ समय पहले यादवेंद्र सिंह को छोड़कर उनका परिवार बीजेपी में शामिल हो गया, लेकिन अब वो दल बदल को लेकर तल्ख हैं। यादवेंद्र जी, औसतन एक दिन में कितनी नुक्कड़ सभाएं, कितने गांव, कहां कहां तक पहुंच पा रहे हैं? अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं हम। सुबह से लेके रात तक, जब तक लोग बाग जागते हैं तब तक प्रयास कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है। रात को हम लोगों के लिए लोग बाग 12-12 एक एक बजे तक जागते हुए मिल रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कई सारे मुद्दे हैं आपके इलाके में, सबसे बड़ी पानी की समस्या है जितना भी लोगों से हम समझ पाए, तो बतौर सांसद अगर आप चुने जाते हैं तो क्या क्या और प्राथमिकताएँ होंगी आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वयं किसान हूँ, किसान होने के नाते पानी की जो समस्या है वो तो प्रमुख है ही, और ख़ासकर हम इस क्षेत्र की भमौरी विधानसभा की बात करें तो इस क्षेत्र में ये सबसे सूखा बेल्ट है और हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 4 बार इस क्षेत्र से सांसद रह चुके, केंद्र में मंत्री भी रह चुके, परंतु उन्होंने कभी इस ओर सिंचाई की व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए कोई पहल नहीं करी। और एक लिंक परियोजना हमारी, इसमें काली सिंध और चंबल नदी पार्वती, इस पर स्वीकृत हुई है, उसमें भी इस क्षेत्र, जबकि इससे लगा हुआ है, इसी क्षेत्र से वो नदी निकलती है, इस क्षेत्र को वंचित रखा गया, भेदभाव किया गया और इस क्षेत्र में अभी तक बहुत कुछ विकास होना चाहिए था, परंतु आप देखते आ रहे होंगे कि क्षेत्र विकास से वंचित है और ख़ासकर किसानों का क्षेत्र है और किसानों के लिए तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, जबकि किसानों की आय दुगनी करने की लोग दावा करते हैं। इन्होंने किसानों की आय दुगनी तो नहीं करी, उसको घटा जरूर दिया है, परंतु यदि हमें जनता के आशीर्वाद से मौका मिलता है तो सबसे पहला हमारी प्राथमिक तौर पर सिंचाई के लिए, किसानों के लिए हमारा प्रमुख मुद्दा है और हम प्रयास करेंगे कि हमारे किसानों की सिंचाई के लिए हम व्यवस्थाएं करवा सकें, तालाब बदवा सकें, नहर बंद करवा सकें, जिससे हमारे किसानों की आय 2 से 3 गुनी बढ़ सके। साथ साथ इस क्षेत्र के युवा बेरोजगार काम धंधे की तलाश में, कोई गुजरात में है, कोई इंदौर में है, कोई जयपुर है, कोई प्रदेश के या देश के अन्य शहरों में काम के लिए पलायन करना पड़ रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिंधिया जी इस क्षेत्र से लगातार 20 वर्ष सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उद्योग मंत्री भी रहे, परंतु इस क्षेत्र में कोई उद्योग नहीं लगा पाए, कोई ऐसी कारखाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए जिससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। ये हमारी दूसरी बड़ी समस्या है। तो हम अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करेंगे कि हम अपने क्षेत्र के लिए ऐसा क्या कार्य कर सकते हैं, ऐसे क्या उद्योग लगवा सकते हैं जिससे हमारे क्षेत्र की जो बेरोजगारी है वो दूर हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए दूसरी जगह पलायन करना पड़े। तीसरा हमारा मुद्दा शिक्षा को लेकर है। इस क्षेत्र में कोई ऐसे बड़े शिक्षण संस्थान नहीं है, हमारे क्षेत्र में हर व्यक्ति सक्षम नहीं है जो अपने बच्चों को बड़े शहरों में पढ़ा सके, तो मजबूरी में उनको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ती है बीच में। तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे क्षेत्र में कोई अच्छे शिक्षण संस्थान हो। गुना के लगभग 17 लाख मतदाताओं में 2.5 लाख आदिवासी हैं, लगभग 2 लाख यादव वोटर इस लोकसभा क्षेत्र में हैं। वैसे समस्याओं की फेहरिस्त भी लंबी है। मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, ना कि धर्म पे और जाति पर। डेवलपमेंट पे चुनाव होना चाहिए, मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत पहले मुश्किल थी जो अब काफ़ी आसान है। हालांकि समस्याएं व्यापारियों को पहले भी रही हैं और हमेशा रहती हैं,
और हम कोशिश और आशा उनसे यही करते हैं कि जो समस्याएं हैं और आगे जो आएंगी उनको, उन समस्याओं को बीजेपी शासन में सुना जाएगा और उनको अच्छे से हल किया जाएगा। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से असुरक्षित है, लेकिन और अच्छा किया जा सकता है सुरक्षा के मामले में। कुछ लोग मानते हैं कि गुना में सिर्फ महल फैक्टर है, लेकिन जनता, पानी, गुना में रिंग रोड, मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट केंद्र, गौ अभ्यारण्य, माधव नेशनल पार्क में टाइगर सफारी जैसा ऐलान को लेकर सवाल पूछती है। नेताओं के पास जवाब में आश्वासन है। गुना से अपने सहयोगी अतुल गौर और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।